कहा जाता है कि अजमेर का एक पंडित दूध लेकर बुद्ध भगवान के पास जाता था और सारा दूध बुद्ध भगवान के चरणों में डाल देता। एक दिन उस पंडित की बेटी कहती है, बाबा आप हर रोज दूध कहाँ लेके जाते हो? पंडित जवाब देता है, बेटी दूध को मैं अपने भगवान के चरणों में चढ़ा के आता हूँ। पंडित की बेटी कहती है, अब्बा जान क्या देवता भी दूध पीते हैं? पंडित कहता है, नहीं बेटी वो दूध पीते नहीं है, मैं उनके चरणों में दूध चढ़ा आता हूँ। पंडित की बेटी कहती है, अब्बा जान अगर वो दूध नहीं पीते हैं तो आप हर रोज दूध लेकर क्यों जाते हैं? पंडित कहता है, बेटी ऐसी अपशगुन वाली बातें नहीं करते, बस मुझे तो इतना पता है कि देवता दूध नहीं पीते। इतने में ही लड़की बोलती है, बाबा कल मैं दूध लेकर जाऊंगी और हर हालत में भगवान को पिला के आऊंगी। पंडित ने कहा, बेटी ऐसी जिद नहीं करते। लड़की के बार बार कहने पर पंडित ने कह दिया कि जैसी तुम्हारी मर्जी, बस याद रखना जब मंदिर में कोई ना हो तब ही जाना। सुबह होते ही लड़की दूध का कटोरा लेकर मंदिर पहुंच जाती है और बुद्ध भगवान को कहती है, तुम सच में हो तो ये दूध आपको पीना पड़ेगा। बुद्ध भगवान तो बुद्ध ही थे, वो कौन सा दूध पीने वाले थे। लड़की बार बार यही कहती रहती है कि दूध आपको पीना ही पड़ेगा। लड़की की बार बार कहने से लड़की गुस्से में आ जाती है और बुद्ध भगवान के चरणों में अपना सिर मारती है और लड़की कहती है, तू मेरा खोता है तो तुम्हें दूध पीना पड़ेगा। अगर आप दूध पियोगे तो तभी मैं अपने घर को जाऊंगी, नहीं तो जान सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी। उस लड़की को नहीं पता था कि बुद्ध भगवान की मूर्ति हरकत नहीं करती। वो बेचारी लड़की रोती कटलाती हुई बस ये अल्फाज कहती रहती है, तुम्हें दूध पीना पड़ेगा। उस लड़की की खुश नसीबी ये थी कि उस दिन ख्वाजा गरीब नवाज उस गली में से गुजर रहे होते हैं। मंदिर का दरवाजा खुला होता है और आप देखते हैं कि एक लड़की अपना सर पटक रही है बुद्ध भगवान के चरणों में और दूध का प्याला पास पड़ा हुआ है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मंदिर के अंदर चले जाते हैं और लड़की से पूछते हैं, बेटा तुम्हें कोई परेशानी है? तुम्हारे सर से खून बह रहा है। लड़की ख्वाजा जी को देखकर बोलती है, बाबा जी तुम्हें क्या लेना देना है? ये मेरा और मेरे भगवान का आपस का मामला है। ख्वाजा गरीब नवाज फिर दोबारा कहते हैं, बेटा बताओ तो सही क्या बात है, किस वजह से रो रही हो? लड़की बोलती है, मैं अपने खोता से बोल रही हूँ कि दूध पी लो और मैं अपने घर को चली जाऊंगी और मैं लोगों को जाकर बताऊं हमारा खोता भी खाता है, पीता है और सुनता भी है। ख्वाजा गरीब नवाज बोलते हैं, भूत कभी हरकत नहीं करते, तुम ये जिद क्यों कर रही हो? लड़की कहती है, बाबा जी मैंने तो अपने भगवान को दूध पिला के ही जाना है, अगर ये इसने दूध ना पिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इतनी बातें सुनकर ख्वाजा गरीब नवाज बुद्ध के कानों में जाकर बोलते हैं कि तुम दूध क्यों नहीं पीते, लड़की को क्यों इतना रुला रहे हो? इतना कहते ही बुद्ध में हरकत पैदा हो जाती है, दूध पीना शुरू हो गया। धीरे धीरे दूध कम होता गया। जब बुद्ध भगवान दूध पी लेते हैं तो वो लड़की बहुत खुश होती है और खुश होकर बोलती है, मेरी कसम पूरी हो गई है, अब मैं अपने घर जा सकती हूँ। जब गांव वाले लड़की की हालत
देखते हैं तो बोलते हैं, पंडित तेरी लड़की ने तो तुम्हारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। इसके सर और कपड़ों पे खून लगा हुआ है और गांव के लोग बुरा भला बोलने लगते हैं, किसने तुम्हारी ऐसी हालत की है। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तो अपने खुदा को दूध पिला के आ रही हूँ। गांव वाले कहते हैं, पंडित की बेटी का तो दिमाग खराब हो गया है, ये लड़की तो पागलों वाली बात करती है। लड़की ने जवाब दिया, अगर आपको यकीन नहीं आता तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे सामने ही देवताओं को दूध पिला के दिखा सकती हूँ। अगले दिन सभी लोग जय कृष्णा देखने के लिए मंदिर पहुंच जाते हैं। लड़की बुद्ध भगवान को कहती है, बुद्ध भगवान दूध पी लो। वो बार बार कहती है पर बुद्ध भगवान दूध नहीं पीते और गांव के लोग बोलने लग जाते हैं कि लड़की पागलों वाली बातें मत कर, मूर्तियां दूध नहीं पीती। लड़की बुद्ध भगवान को फिर कहती है, ए खुदा तुझे मेरे इज्जत की कसम है, मेरी इज्जत रख ले। पर बुद्ध भगवान नहीं सुनते। बुद्ध भगवान लड़की गुस्से में आके बोलती है, दूध पीते हो जा, मैं कल वाले बुजुर्ग को बुला के लेके आऊं। लड़की के इतने अल्फाज बोलते ही बुद्ध भगवान दूध पीना शुरू कर देते हैं। वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं, वो बुजुर्ग कौन है जिसका तुम नाम ले रही हो। लड़की कहती है, मैं उसका नाम और पता नहीं जानती, बस ये जानती हूँ वो इस रास्ते पे जा रहा था। सब लोग लड़की के पीछे पीछे उस बुजुर्ग की खोज में निकल पड़ते हैं। आगे बढ़ते हुए रास्ते पे आगे बढ़ते हुए एक पेड़ के नीचे ख्वाजा पीर ख्वाजा गरीब नवाज उनको मिल जाते हैं और लड़की कहती है, ये है वो बुजुर्ग जिनके कहते ही बुद्ध ने दूध पी लिया था। और सब उनके चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं, बाबा जी वो कौन सा जादू है जिससे पत्थर की मूर्तियां भी दूध पीने लग जाती है। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, ऐसा तो कोई जादू नहीं है जिससे मूर्तियां दूध पी ले, वो तो खुदा का फजल करम है। इतना सुनते ही सभी लोग हैरान हो गए और ख्वाजा पीर ख्वाजा गरीब नवाज के चरणों में गिर गए। और एक दिन ख्वाजा गरीब नवाज जंगल से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि कुछ लोग आग की पूजा करते हैं। वो इतनी मेहनत से आग की पूजा करते थे कि 6-6 महीने तक मुंह में अन्न का दाना नहीं रखते थे। ख्वाजा गरीब नवाज ने उनको आग के बारे में पूछा। उन्होंने कहा, हम आग को इसलिए पूजते हैं कि मरते समय आग हमें ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंचाएगी। ख्वाजा जी ने फरमाया, मौत से बचने का तरीका ये नहीं है, नरक की आग से बचने का तरीका तो अल्लाह का नाम है। अल्लाह का नाम ही तुम्हें दोजक में जाने से बचा सकता है, दोजक की आग जाने से बचा सकता है। और अल्लाह के नाम वाले जो अल्लाह का नाम लेते हैं उसे ये आग कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम इतनी देर से आग की पूजा कर रहे हो, जरा इसमें तुम में से कोई भी इस आग में से हाथ डाल के दिखाओ। लोगों ने कहा, आग का तो काम है जलाना, अगर हम इसमें हाथ डालेंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। लेकिन आप कहते हैं अल्लाह ताला की पूजा से आग नहीं जलाएगी, इस बात का आपके पास क्या प्रूफ है। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, ये आग हमें जलाना तो दूर की बात है, हमारे वस्त्र भी नहीं जला सकती। ये फरमा के आपने एक जूती
आग में डाल दी। वो काफी देर आग में पड़ी रही और आग का कोई भी असर उस पे ना पड़ा। ये देखकर सबके सब लोग ख्वाजा ग्रीन नवाज के चरणों में झुक गए और अल्लाह अल्लाह करने लगे।